तब अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही एक निवेदन ये करता हूँ कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है, कल पायलट साहब ने कर दिया है, और निश्चित तौर से PCC के अंदर मैंने एक बात रखी थी, वहाँ जब मीटिंग हुई तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि श्रीमान आप मालपुरा के अंदर समझौते में हमारी सीट को डाल देते हो, अब के कृपया हमारे मालपुरा की सीट को समझौते में नहीं डालें। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता उसका मनोबल गिरता है, आप किसी को भी टिकट दें लेकिन समझौते में ये सीट मालपुरा की नहीं डालें। सही बात। तो इसके लिए सब लोगों ने आश्वस्त किया है और मैं निवेदन करता हूँ टिकट एक को मिलेगा, और आप लोगों की जो आवाज़ है उसको पहुँचाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप लोगों की दावेदारी सशक्त है और उसको आगे तक पहुँचाएंगे, लेकिन आपके जिसको भी टिकट मिले एक को कांग्रेस से, आप लोग मुझसे बात करो कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस से सिंबल पे जिसको टिकट दोगे उसको बिल्कुल। और एक बात जो सब जगह जा रही है वो है स्थानीय की, तो स्थानीय की बात को आपकी जो ओवरऑल जो बात है स्थानीय की उसके लिए पूरा बहुत करेंगे, और ये मानदा अच्छा और सच्चा कार्यकर्ता नौजवान कार्यकर्ता उसकी पैरवी होगी। मैं प्रभाव जी आपसे भी कहता हूँ, जो 5 साल जनता के बीच में रहना और जो कंटिन्यू 10-15 सालों से जनता के जुड़ा हुआ है, सब धरनों में वाले हैं, 2 महीने में आते हैं अपने पैसे के दम पे, अगर ले जाओ चल जाओ कोई लेना देना, आप 2 महीने वाले को पैसे के दम पे टिकट दे दो तो फिर नहीं आपको पार्टी देखनी, सर्वे भी कर रही है, सर्वे भी कर रही है, आधार पर। और ऐसे जुझारू व्यक्तित्व, ऐसे नई तरुणाई, ऐसे नई रोशनी, नई ऊर्जा, इसका पार्टी को सम्मान करती है सर। मेरे कहने से नहीं होगा, सब देख रहे हैं, इन लोगों को लगाया है हमारे साथ, हमारे तो 45,000 वोट थे अटूल से 20 साल से। सर मैंने तो आप